नमस्कार, मैं लिपिका लिपि किचन से। आज हम बनाने जा रहे हैं बचे हुए चावल का रसमलाई। ये बहुत ही टेस्टी रहता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कप चावल लिया है बचे हुए कल रात के। मैंने यहाँ पे अपने स्पाइस जार को थोड़ा घी से ग्रीस कर लिया है। इसमें इससे चावल स्टिक नहीं करेगा। फिर इसको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा चीनी डाल के इसमें 1 टेबल स्पून करीब। फिर उसको एक प्लेट को ग्रीस करके घी में उसको निकाल देंगे। फिर मैंने यहाँ पे मैदा लिया है 1 टेबल स्पून एंड 1/3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और उसको मिला लेंगे अच्छे से। यहाँ पे मैंने कैडमियम पाउडर लिया है वो 1 पिंच, उसको भी डाल लेंगे। फिर मैंने अपने हाथों में थोड़ा सा घी लगाया है और उसको अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए, ऐसा डो बना लेंगे एक। फिर उसको अपने नीचे वाले पाम के सहायता से उसको अच्छे से फिर ये हो गया। देखिए, जो जितना भी छोटे चावल थे, बारीक चावल थे, वो मेरा एकदम डोज में कन्वर्ट हो गया है। फिर उसको इक्वल पार्ट में उसको अलग अलग कर लेंगे। उसको हम राउंड करके उसको फ्लैट कर लेंगे, क्योंकि हमने रसमलाई बनाना है यहाँ पे, इसलिए। फिर उसको अलग रख लेंगे। यहाँ पे मैंने 3/4 कप शुगर लिया है। एक वैसल में उसको डाल लेंगे, ब्रॉड वैसल में। फिर यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी लिया था और उसको गैस पे चढ़ा दिया है और एक उबाल आने तक उसको रख लेंगे। फिर उसमें जो हमने जो बॉल बनाया था, राइस बॉल, फ्लैट बॉल, उसको डाल लेंगे और उसको 5 या 10 मिनट के लिए, यहाँ पे सैफ्रन डाला है मैंने, और 5 या 10 मिनट के लिए उसको पका लेंगे। 7 से 8 मिनट तक पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हमें दूध में भी उसको पकाना है। मैंने यहाँ पे पारबॉल मिल्क में थोड़ा छोटे कटोरी में कस्टर्ड पाउडर डाला है और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए, जैसे लम्स ना रहे वैसे ही मिक्स किया हुआ है। फिर अभी यहाँ पे कढ़ाई में दूध डाला है मैंने 1.5 लीटर। फिर उसमें शुगर 2 टेबल स्पून डाला है। फिर जब उबाल आ जाएगा फिर उसमें थोड़ा सा सैफ्रन सेंडर डाल लेंगे। फिर उसको लो आंच में रख के उसमें कस्टर्ड डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे लम्स ना आए। देखेंगे हम, ऐसे देखिए, ऐसे करना है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग ड्राई फ्रूट्स डालेंगे इसमें। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे काजू बादाम डाला है। अभी हम लोग यहाँ पे वो जितने बॉल्स, राइस बॉल्स में हमने शुगर सिरप पे उबाले थे वो डाल लेंगे। 10 मिनट के लिए उसको अच्छे से कर लेंगे। फिर उसको बाहर निकालेंगे एक सर्विंग बाउल में और उसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे और थोड़ा सा सैफ्रन डाल लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसको घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा। हैप्पी कुकिंग।